वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARobai स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माय सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज अपने टॉप 100 MCQ जो आपके आने वाले PCS परीक्षाओं के लिए, या तो UP का PCS हो, MP PCS हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, इन सब भी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रदेश में होने वाली वन डे परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 14 सितंबर 2022 को BLO ई पत्रिका का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नाम से पता चल रहा है BLO ये निर्वाचन से संबंधित है, तो देखिए ये निर्वाचन आयोग की पत्रिका है, इलेक्शन कमीशन की। फिर हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने राजस्थान में 3 सोलर फर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है Amazon। Amazon की तरफ से राजस्थान में 3 सोलर फर्म स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में 2023 ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ब्रेक थ्रू अवार्ड है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में MCQ दिए जा रहे हैं, ये इसका पर्पस सिर्फ आपका रिवीजन है। इसमें आप लोग कैलकुलेट कर लेना कि आपको 100 में से कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी वो पोस्टमार्टम से रिलेटेड है, तो ये एक पोस्टमार्टम की नई तकनीक है। आप कीवर्ड्स पे भी ध्यान दिया करिए, इससे भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। AI, IoT, बिग डाटा, कोडिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में युवा भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो है सैमसंग। स्किल इंडिया की सैमसंग के साथ साझेदारी हुई है। इसमें क्या है कि इसमें जैसे आपका AI हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डेटा, कोडिंग, ये सारी चीज़ें जो तकनीकियाँ हैं इसमें भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। फिर अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी नरेश कुमार का निधन हो गया, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है यही पूछा गया है। तो ये टेनिस खिलाड़ी थे, नरेश कुमार टेनिस खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया। लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल की लेखिका हिलेरी मिल्टल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पहली बार बुकर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था ये पूछा गया है। तो इन्हें दिया गया था 2009 में, हिलेरी मेंटेल, इनकी बुक थी वुल्फ हॉल। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मानवीय सहायता आपदा दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें ये देखिए इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, ठीक है। क्वाड 4 देशों का है समूह, इसमें देखिए भारत है, अमेरिका है, और अगला देश है जापान, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इसमें इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। इसके विदेश मंत्रियों ने मानवीय सहायता आपदा राहत दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? देखिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये हैं झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सितंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो ये इसमें नियुक्त किया गया है संघ के द्वारा L नागेश्वर राव को। फिर किस राज्य के एल्विस अली हजारिका
नॉर्थ चैनल पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ये हैं असम राज्य से संबंधित, असम राज्य के हैं एल्विस अली हजारिका। ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हरा करके सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार जीता है? तो बांग्लादेश ने हराया है नेपाल को। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता हैं बांग्लादेश। भारतीय जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झाझरिया को मिला है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि मोरक्को में हुआ। फिर 25 सितंबर 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जयंती थी 106वीं। फिर अगला सवाल है, 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने कितने वर्ष पूरे किए? तो ये 8 साल इसके पूरे हो गए हैं, ठीक है, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के 8 साल पूरे हो चुके हैं। फिर किस मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत करने की घोषणा की है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ये है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार दिए हैं, ठीक है, कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें हैं 42, ठीक है, डिजिट याद रखिएगा, 42 पुरस्कार जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। 23 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के महाअभियोजकों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो ये है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में महाअभियोजकों की बैठक। हाल ही में अमेरिका ने रोहिंग्या समुदायों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? रोहिंग्या समुदायों के लिए तो अमेरिका ने US मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा नासा का डार्ट मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया? तो डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है नवंबर 2021 में, याद रखिएगा डार्ट मिशन। फिर फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थ केयर वर्ल्ड, ठीक है, के साथ थीम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस तो ये मनाया गया 25 सितंबर को, ठीक है, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। फिर आगे बढ़ें तो हाल ही में किस राज्य में स्थित अमृता अस्पताल में भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया? फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है अमृता हॉस्पिटल में, ये किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दुनिया में पहली बार किस देश की जीन फर्म के द्वारा एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन माया बनाया गया है? तो ये है चीन में, चीन में जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन जिसका नाम रखा गया है माया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है पोखरण में, याद रखिएगा ALS-50 ड्रोन सिस्टम, इसका जो इसका परीक्षण किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और पोखरण में किया गया है। फिर है, भारत में हर साल कितने दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद जिले का नाम बदल करके उसके पुराने नाम देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, दौलताबाद का नाम रिस्टोर करके देवगिरी किला। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबिल के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किस वर्ष शुरू हो जाएगी? तो ये बोला गया है कि 2023 से शुरू कर दी जाएगी सबसे लंबी नदी क्रूज, ठीक है, वाराणसी और असम के बोगीबिल के बीच। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना का लॉन्च किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना, ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को। फिर 26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता
स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया है। काफ़ी अच्छी पहल है ये, कचरे से खिलौना बनाना, ये है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। फिर 25 सितंबर 2022 को रोस हसानाह नव वर्ष किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया गया, तो ये है यहूदी समुदाय का, ठीक है, जेविस समुदाय का है ये रोस हसानाह न्यू ईयर। आगे बढ़ते हैं, महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के दूतावास ने भारत में सारस परियोजना शुरू की है, तो यह है इजराइल, ठीक है। सितंबर 2022 में तूफान नोरू किस देश के तट से टकराया है, तो ये फिलीपींस के तट से टकराया है, ठीक है, तूफान नोरू याद रखिएगा, फिलीपींस तट। हाल ही में किस देश के ओलंपियन हेल ग्रेप सेलासी को दिल्ली ऑफ मैराथन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो ये जो है ओलंपियन ये है इथियोपिया के, ठीक है, इथियोपिया हेल गेब्रेले ग्रेप सेलासी। SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित शिशुओं में से 35 के मुकाबले 2020 में घट करके कितनी रह गई है, यही पूछा है, तो 2020 में घट करके ये 32 हो गई है, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर पूछा गया है प्रति 1000 बच्चों में, तो ये 32 है, पहले 35 थी। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर एक नए खनिज चेंज साइट वाई की खोज की है, तो ये देखिए चीन ने खोज की है चंद्रमा पर एक नया खनिज जिसका नाम रखा है चीन ने चेंज साइट। हाल ही में बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये है CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र। हाल ही में किस बैंक ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को $2 अरब देने की सहायता पर सहमति जताया है, तो ये है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है, बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को $2 अरब। हाल ही में किस देश ने मैग्नस कॉल्सन ने अर्जुन एरिगैसी को हराकर जूलियस बेयर जनरेशन कप शतरंज ऑनलाइन टूर्नामेंट जीता है, तो मैग्नस कॉल्सन शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातियों पर आधारित एक विश्वकोश यानी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल्स जारी किया है, तो यह है उड़ीसा सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल्स। फिर आपका सितंबर 2022, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में श्रीमंत शंकर देव काला क्षेत्र में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो ये उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। फिर पर्यटन पर पुनर्विचार थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को, इम्पॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 27 सितंबर को मनाया गया और पर्यटन पर पुनर्विचार इसका थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। फिर हाल ही में किस मंत्रालय ने गांव के चयनित कुओं में जलस्तर का पता लगाने के लिए जल दूत एप्लीकेशन, ठीक है, तो गांव में चयनित कुएं ये देखिए जल शक्ति का नहीं है ना ही पर्यावरण है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, खैर छड़ी नवीन तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय में कंफ्यूज नहीं करना है, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, ठीक है, गाँव के चयनित कुओं में जलस्तर का पता लगाने के लिए जल दूत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान की घोषणा, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है SJ ने। हाल ही में यूरोपीय भाषा दिवस 2022
किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया है 26 सितंबर को, यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेज 26 सितंबर। सेसल्स में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ठीक है, सदर्न रेडिनेस में भारत के किस पोत ने भाग लिया? तो ये इसमें INS सुनैना ने भाग लिया, INS सुनैना इसने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में भाग लिया जो कि सेसल्स में आयोजित हुआ था। 26 सितंबर 2022 को किस नेता ने नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम का ऐलान किया है? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इसके जो नेता हैं वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में? बथुकम्मा त्यौहार के बारे में पूछा गया है तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बथुकम्मा त्यौहार। फिर वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया आशा पारेख को। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को। उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? तो ये शामिल किया गया था 1983 में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के चारों तरफ लगभग 500 मीटर तक सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का ऐलान किया है 1983 में यूनेस्को। फिर 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये है बेंगलुरु में, है क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो जिसका निर्माण का जो इकाई है वो है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। फिर आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2022 में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश नंबर वन पर है? T20 रैंकिंग में है भारत नंबर वन पे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड के समान खोस्टा 2 वायरस की खोज की है? खोस्टा 2 वायरस, इसको खोजा गया है रशियन वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, रूस के वैज्ञानिकों ने खोजा है। फिर सितंबर 2022 में फियोना तूफान से निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो वो है कनाडा, ठीक है, फियोना तूफान से कनाडा प्रभावित हुआ है ज़्यादा। फिर सितंबर 2022 में भारत सरकार ने किस देश में भारतीयों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है? तो कनाडा में ये एडवाइजरी जारी हुई है। फिर देश का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PCS के लिए, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। 2023 में आयोजित MotoGP वर्ल्ड चैंपियंस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निःशस्त्रीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? 26 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इम्पॉर्टेंट है ये, 26 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए किस शहर में एथिकल हैकिंग लैब लॉन्च किया? एथिकल हैकिंग लैब ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर सिक्किम में है हिमस्खलन निगरानी राडार। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 सितंबर को। फिर है, हाल ही में किस देश के दो नए प्रायोगिक उपग्रह, ठीक है, CN-14, CN-15 को लॉन्च किया गया है? नाम से पता चल रहा है ये है चाइना का। फिर हाल ही में अमेरिकी अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये 1976 में इन्हें दिया गया था, 1976 में इनको, लुइस फ्लेचर को वो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए।
अभी देखिए ऑस्कर पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। भारत की एलिफेंट विस्पर और ये क्या नाम है आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग, किस मूवी को, एक्टर एक्ट्रेस, इन सब का नाम आप बिल्कुल देख लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थीम के साथ विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है ये 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, ठीक है, और इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गर्भ निरोधक दिवस, ये भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है, किस राज्य सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमार मन अभियान शुरू किया है, तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमार मन। फिर हाल ही में किस जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है, तो ये है लेह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। फिर है, हाल ही में रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है, तो ये है संजय कुमार है रेलटेल के चेयरपर्सन। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में वर्ल्ड बैंक ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने ग्रेब्रियल 5 जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये है इसराइल, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट अगर डिफेंस में होते हैं तो मोस्टली देखिए इसराइल के द्वारा किए जाते हैं, वहाँ की डिफेंस जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में उद्योग की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सितंबर 2022 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए, तो इसमें कुल दिए गए हैं पर्यटन में 81 पुरस्कार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषण कारीकरों पीएम के स्तर में 40% की कमी, तो ये किया गया है 2026 तक, ठीक है, इसमें जो आपके प्रदूषणकारी कण हैं पीएम, इसमें 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। फिर है, 27-28 सितंबर को 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में गैंडे के सींगों की राख से बने स्मारक अडॉप ऑफ यूनिकॉर्न्स का अनावरण किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, तो ये देखिए काजीरंगा है असम में। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 सितंबर 2022 को शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के कर दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि 28 सितंबर को ये किया गया और 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती थी। फिर 28 सितंबर 2022 को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है, तो ये चौक जो है ये है अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके सहयोगी गुटों पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, तो 5 वर्ष का प्रतिबंध इस पे लगाया हुआ है। फिर है, सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है, तो यह है सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। फिर आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस CDS के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अनिल चौहान
अनिल चौहान हैं। दूसरे सीडीएस पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में फीफा ने किस फुटबॉलर पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री कैप्टन फैंटास्टिक जारी की है? तो ये है सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस ये मनाया जाता है 25 सितंबर को, इंटरनेशनल डॉटर डे। फिर है आठवां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी सम्मिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में, आठवां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी सम्मिट। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2025, याद रखिएगा टीबी एलिमिनेशन है 2025। फिर सितंबर 2022 ने सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसको बढ़ाने का फैसला किया है मार्च 2023 तक। हाल ही में किस एयरपोर्ट को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कोचीन का है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित विमानन ईंधन AVGAS-100AL लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। फिर किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश को, ये इम्पॉर्टेंट है आपके PCS परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। फिर है हाल ही में BPCL ने कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश की ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ करार किया है? तो वो है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की कंपनी है पेट्रोब्रास, इससे BPCL ने टाई अप किया हुआ है। फिर है हाल ही में किस कार कंपनी भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है? तो ये है टोयोटा ने, टोयोटा ने फ्लेक्स कार को, फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है। फिर है 26 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर है, ठीक है, इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव में, गुरुग्राम। गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय गेम्स 2022 में यूपी के ध्वजवाहक के रूप में किसको नामित किया गया है? तो ये है अन्नू रानी है यूपी की फ्लैग बियरर, ठीक है, और जो 36वां नेशनल गेम्स है ये कहाँ होगा? गुजरात में, ये गुजरात का है और यूपी की फ्लैग बियरर हैं आपकी अन्नू रानी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है? बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की गई है। फिर 28 से 30 सितंबर को यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन है मैक्सिको में। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट को सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया है, ये कहाँ है? ये है ग्रेटर नोएडा में। फिर 2024 और 27 सितंबर को वर्चुअल सम्मेलन सिम्फो एन ई का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाकाल कॉरिडोर के नाम को बदल करके महाकाल लोक कॉरिडोर कर दिया है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में किस देश के इल्यूड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन 2022 जीता है? तो ये है केन्या के, ठीक है। तो आज हमने कर लिया अपना कंप्लीट
करंट अफेयर्स हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके 100 में कितने MCQ हो रहे हैं उसको भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।